हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस इल्ज़ाम की तरदीद फरमा दीजिए ताकि मैं भी जस्टिफाई कर सकूँ, सुरखरू हो सकूँ कि भाई पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद था और उसने अपने तरफ से अपनी जमात की जो है वो हिमायत फरमा दी थी इस एक मामले पर। तरदीद कीजिए, उसके बाद फिर मेरा सवाल। देखिए, इन्होंने जो कहा कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम अब आके टॉप पे आ रहा है, आप स्टार्ट ले लें, अगर आप 1 साल 3 साल पहले से इमरान खान की वजह से आपको जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे उनका अब चेकअप नहीं होता, उनके जूते उनके कपड़े चेक नहीं होते, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत शुरू हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज़ रिमिटेंसेस आ रही हैं और रेवेन्यू इतना जेनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में। मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे, लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है, ये किसने आपको कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे। वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप, किसने दिखाया है इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया है? आप न्यूज़ आपको पता है आपने आप क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है, जाके देखते नहीं है आप, देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे आपको अंदाजा है। ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दिए? जो टुकड़े जो उन्होंने किया हुए ना, हमारे हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शाही में अब्दुल्ला दीवाना, वहां से पावर है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रह गया? आप किस बयान पे, तालिबान भी हमारा, आप मुझे बताएं, आप फौज की तो आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, तालिबान की नुमाइंदगी कर रही हैं या हुकूमत पाकिस्तान की? उनका साथ दिया मैडम, आप नुमाइंदा किसकी हैं? ज्यादती हो रही है कि तालिबान का, मैं ये कह रही कि वो अपने उनकी हुकूमत अपने घर हमारी दिखाए, मुझे के संग तुझे गिरे और जख्म आए मुझे, कतील छिपाई आ रहा है। बिल्कुल मैडम, आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान की इतनी, मैडम खुदा की कसम थोड़ा सा वेट कर लें, दुनिया में इतनी इज्जत हो रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। क्या कह रही हैं आप, ये ना बोले, कैसे कैसे कॉल हो जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल लेगा साथ, किसके पास इतना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। साथ है क्योंकि वो हक पे है, हम अमेरिका के साथ नहीं है। इमरान खान ने नो वे बोल दिया जब, तो फिर इसका मतलब ये है कि पीटीआई की हाईएस्ट जो लीडरशिप है, मैं उससे इल्तिमास करता हूं कि भाई इन लोगों की कुछ कम से कम ट्रेनिंग का इंतजाम करें, कुछ बंदोबस्त करें, इनको नहीं पता ये नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए क्या कुछ कह रहे होते हैं। सर जी, मैं मतलब फारूक साहब, बर्बाद हो गए, लुट गए। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। मैं अर्ज करता हूँ पहली बात तो ये है कि मेरी बहन अपनी ही हुकूमती तर्जुमान और अपनी ही वजारत खारजा के बयान को नहीं पढ़ रही, इन्हें शायद मालूम नहीं।
फवाद चौधरी ने जो हुकूमती तर्जुमान है ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत के बारे में हम दुनिया के तरफ देख रहे हैं और दुनिया से मशवरे के बाद करेंगे। पहली बात तो ये, तालिबान को अभी उनकी हुकूमत कब्ज़ा कर लिया है, उन्होंने निज़ाम बनाना है, हमारे मुल्क के लिए हमारी फ़ौज है। अगर कश्मीर फतह करना है तो फिर हमारी फौज ने करना है, अगर नहीं करना तो फिर वो नहीं करेगी। बिल्कुल, हमारी तालिबान ने क्या करना है? तालिबान को अभी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं अपने अंदर। एक लम्हा बाद में आप बात करें, मैं अर्ज कर रहा हूँ बड़े आराम से। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये जो तालिबान के हवाले से एक रोमांटिक तस्वीर जो कोशिश कर रहे हैं हमारे पास दोस्त बनाने का, ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो आप उन्हें ये कह रहे हो कि जनाब TTP को कंट्रोल करें, फलां को कंट्रोल करें, ये करें वो करें, आपके यहाँ से तो मुतालबात कुछ और आ रहे हैं। आपने यहाँ कह दिया जी वो कश्मीर फतह करके देंगे, माजरत से अगर आपको नहीं मालूम तो इस इशू को मत छेड़ें। वो क्यों, हमारे फौज ही, हमारे अपना पाकिस्तान, मेरे आपने पूरी बात सुनने से पहले आरफीन आप बोल पड़ते हैं। एक मिनट, आप पूरी बात सुना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा तर्जुमान ये कह रही है के जी तालिबान फतह करके देंगे कश्मीर, खुदा ने समझा कह रहे हैं। आप अभी भी नहीं समझ पा रही है, पूरी दुनिया में बेस्ट फौज हमारी पाक आर्मी है। मैडम अब ये सब आप कर रहे हैं, इससे आपको इससे आप हुक्म वतन का सबूत नहीं दे रही है। आपको मुझसे ज्यादा फौजी आप नहीं है। मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूं, बात करने की कोशिश की, मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूं, लेकिन आप ये जो काम कर रही हैं ये मुनासिब नहीं है। अच्छा मुझे तो बात करने देना, जो कह रहे हो ना अनलिमिटेड, ये आपने कर दिया है। अब आप सिर्फ जो है वो अपनी बारी में मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सवाल से जवाब दीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो खुद आपको बुला करके इसमें जवाब तलबी कर सकते हैं, अगर तो उनके पास वक्त हुआ। वो तालिबान की वजह से है। अब ये इशू वहां पे इंटरनेशनल मीडिया में टेकअप होगा, इस प्रोग्राम के क्लिप चलेंगे, आपका ये बयान उठा करके सया को सबाक से बाहर करके इसको चलाया जाएगा, अपनी मर्जी से पाकिस्तान बैशिंग की जाएगी। आपको पता है आपने क्या किया है, और आप बैठ करके आप इस वक्त खुशामद कर रही हैं। कोई नहीं है, अब आप इस वक्त बैठ के खुशामद कर रही हैं। आपको लगता है आपने बड़ा पाकिस्तान फौज का नाम बुलंद कर दिया? यार मतलब हद है पाकिस्तान की फौज से। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। सर मौजू बिल्कुल इधर उधर हो गया था, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये जो मीडिया अथॉरिटी वाली बात थी हम उसी पे अगर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हुई है उसका अव्वल तो कोई सर पैर था, और मुझे ये भी नहीं लगता, हालांकि मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इस एक सूरत हाल में, लेकिन ये जो बात अभी इन्होंने की थी, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PM पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारे इस एक चीज़ को, इस एक स्टेटमेंट को ओन करेंगे जो मोहतरमा ने अभी कहा है। कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान की ये इशू नहीं है, ये तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट होगा इंटरनेशनल मीडिया पर, और ये चलेगा। पाकिस्तान का जो है स्टेट का, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नूर, PTI, ये PTI के मैं उनकी तरफ से भी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में है उनका ये है कि कश्मीर का इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, और ये इशू यूनाइटेड नेशन और बायमी गुफ्तगुशनीस के थ्रू हल होगा। हम ये चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है पुरमन तरीके से, पुरमन तरीके से बिल्कुल डेफिनेटली, और ये जो है यूनाइटेड नेशन की करारदाद और बायमी गुफ्तगुशनीस से होगा, कोई जंग से नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर हम भी हैं और वो भी हैं, ये अफोर्ड हम भी नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, और ये तालिबान का आए नहीं जाए, और ये पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी नहीं है, मैं ये कहूँगा। राइट मैडम, भूल जाइए कि इस रूए ज़मीन पर तालिबान नामी कोई मखलूक मौजूद है, मेरे सवाल पे फोकस कीजिए प्लीज़। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामी एक एंटिटी है जो पाकिस्तान से, जिसने डिस्प्लेजर का इजहार किया है काफ़ी अरसे पहले। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि तालिबान हमें दिलवाएगा कश्मीर,
आपको बता दूं कि ये पर जाए तो यही सोच पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी भी है। उनको लगता है कि तालिबान ही उनको कश्मीर दिला सकता है, मतलब उनको अपनी आर्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस तरीके से बात करें तो डेफिनेटली आप समझ जाएं कि वहां पर कितना अच्छा उनका एजुकेशन लेवल है। और तालिबान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भारत के एक मीडिया हाउस में मतलब उन्होंने कमेंट किया है कि आकर उन्होंने बोला है कि आकर मतलब और फोन लाइन से कनेक्ट होकर उन्होंने बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है कश्मीर, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने क्लियरली बोला है और उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, भारत अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे करे जो भी अफगानिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं, यहाँ से ना जाए भारत, भारत के लोग जो भी यहाँ पर हैं एम्बेसी वगैरह में उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब अफगानी लड़ा के सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। हालांकि उसके बावजूद भी भारत की जो एम्बेसियां हैं जो भी लोग हैं वो सारे के सारे वहां से निकल आए हैं और जितने भी लोग हैं अब वो सारे आ गए, यहां तक कि वहां की जो माइनॉरिटीज़ सिख कम्युनिटी थी वो भी आ चुकी है और हिंदू थे बहुत कम 20-30 वो भी आ चुके हैं। भारत का ये स्टैंड है। और दोस्तों अब मतलब तालिबान को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी रियल फौज मान चुकी है और जो उनकी फौज है वो अब खाना वाना बनाएगी तालिबानियों के लिए और उनको बोलेगी भाई ये खाना खाओ और जाके कश्मीर फतह करवाओ। आपको बता दें कि तालिबान ने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने ही मतलब जहां पर वो रहते हैं उसी देश में बाहरी फोर्स अमेरिका के खिलाफ लड़ी है, ऐसा है। और तालिबान कोई ऐसी तालिबान लड़ाके कोई ऐसे लड़ाके नहीं है कि वो जाएं दूसरे देश में घुसकर वहां के खिलाफ लड़ाएं, ऐसा उन्होंने कोई इनके पास हिस्ट्री नहीं है। और हिस्ट्री है अफगानियों की तो वह 500 साल 1000 साल पुरानी हिस्ट्री आज के समय में काम नहीं आएगी। उस टाइम पर ऐसा कोई कंट्री वाइज सिस्टम नहीं था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिस्टम नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे। लोग जो मतलब कहते हैं जो लोग कहते हैं कि इतिहास है ऐसा कि अफगान हमेशा भारत में हमला करते थे, सबसे पहले फिर वो करेंगे पाकिस्तान में करेंगे। आपको भी पता ये भी एक इतिहास है लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की भी आर्मी कोई मतलब अफगान तालिबान को डेफिनेटली वो घुसकर तो वो मार नहीं सकती, हाँ वहां पर जो प्रॉक्सी है वो आराम से कर सकती है, तो ये चीज है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो तालिबान को लेकर जो एक्साइटमेंट है, तालिबान को लेकर पाकिस्तान में एक जो जुनून है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ आए, पाकिस्तान में भी जो औरतें हैं जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं वो घर में बैठे, जो एंकर्स हैं जो बिना बुरखा के आती हैं वो घर में बैठे हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम डाई हार्ड तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हो तो फिर फॉलो करो। हालांकि ये मैंने एक व्यंग्य मारा है लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग खुलकर सपोर्ट करते हैं तालिबान को। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सपोर्ट करें।